नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 14 जनवरी 2022 और मैं निशा आप सबके सामने मौजूद हूँ कागज नगर की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जंगल में बार्किंग डियर, सरसिल्क में रथ यात्रा का आयोजन, नाले में गिरी बाइक, गांव वाले गुस्से में, कलेक्ट्रेट में नीति आयोग की बैठक, शहर में हेलमेट पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग अब से जरूरी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ये है बार्किंग डियर। इसे बार्किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब डर जाता है तो दूसरों को डराने के लिए कुत्तों की तरह जोरों से भौंकता है। एक समय पर ये आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला के जंगलों में मिलता था। ये एक ऐसी हिरण प्रजाति है जो कि दुनिया के खतरे में मौजूद जानवरों में शामिल है। दुनिया में बार्किंग डियर काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बार्किंग डियर के बारे में आपको हम क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसे कल कागज नगर के जंगलों में देखा गया है। कागज नगर डिवीजन के फॉरेस्ट ऑफिसर ने जब सीसीटीवी लगवाया तब ये तस्वीर उस कैमरे में आ गई। वन जगत के बड़े बड़े जानकारों को इससे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये जानवर कागज नगर के जंगलों तक आया कैसे। अभी इस बारे में रिसर्च किया जाएगा कि बार्किंग डियर कितने संख्या में हमारे जंगलों में मौजूद है, लेकिन कागज नगर में इनका मिलना निश्चित एक गजब की बात है। मकर संक्रांति के ठीक पहले एकादशी के शुभ अवसर पर कागज नगर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में कल रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस रात यात्रा से ही मकर संक्रांति के उत्सव की शुरुआत हो गई। इस रथ यात्रा में भक्तों ने भगवान के आशीर्वाद प्राप्त किए। चिंतागुड़ा से सरदार बस्ती से होते हुए रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क पर ये एक ब्रिज है। इसके नीचे से तेज नाला बहता है। कई लोग इस रास्ते से सफर करते हैं, लेकिन आज तक इस ब्रिज को पक्का नहीं बनाया गया। प्रशासन से कई बार ये गुहार लगाई गई कि इस ब्रिज को कलवर्ट बनाकर पक्का किया जाए, लेकिन हर बार इस जगह पर सीमेंट की बड़ी रिंग बैठाकर उस पर मट्टी डाल दी जाती है। कल इस ब्रिज से गुजरते समय एक बाइक इस नाले में गिर गई। इस बाइक पर सवार दोनों व्यक्तियों को काफी तेज चोट लगी है। गाँव के लोग इस ब्रिज को बनवाने की मांग कर रहे हैं। कल आसिफाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें कि कलेक्टर राहुल राज और डिप्टी कलेक्टर वरुण रेड्डी मौजूद रहे। इसमें जिले में सेंट्रल गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्टों पर समीक्षा हुई। सबसे पहले तो आंगनवाड़ी पर जोर दिया गया। जिले में मौजूद आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त और ऑनलाइन करने के साथ साथ उसमें कार्य करने वाले आशा कार्यकर्ताओं को बेहतरीन सुविधा देने पर जोर दिया गया। सभी आशा कार्यकर्ताओं को अपना ई श्रम कार्ड बनवाने को कहा गया और साथ ही प्रधानमंत्री मानधन योजना में भी पेंशन कटवाने को कहा गया है। इसके बाद किसानों को हो रहे नुकसान को भरने के लिए बैंकों से उन्हें लोन दिलवाने की व्यवस्था पर जोर देने को कहा गया। इसके बाद अस्पतालों को लेकर चर्चा हुई। आखिर में हाईवे के बारे में पड़ताल की गई। जल्द से जल्द हाईवे बनाने के आदेश दिए गए। कल कागज नगर के इंदिरा मार्केट में पुलिस के सब इंस्पेक्टर सोनिया और राजू ने विशेष क्लास ली। एक तरफ जहां ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बाजार में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर पर जोर देने को कहा गया, वहीं दूसरी तरफ ये भी घोषणा की गई कि अब से कागज नगर लोकल में भी टू व्हीलर गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट कंपलसरी होगी। पहले कागज नगर टाउन की परिधि में बिना हेलमेट के भी टू व्हीलर गाड़ी चलाई जा सकती थी। अब बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर चालान काटा जाएगा और यदि पकड़े ना भी गए तो आपकी फोटो खींच ली जाएगी, चालान आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। यदि आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लग रही हो तो कृपया करके एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर दीजिए और
अपने दोस्तों, परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।